हेलो फलास, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू मैस्कॉट चैनल। स्वागत है तुम लोगों का एक और ख़तरनाक वीडियो के अंदर। और आज के दिन हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्लिक बॉस को डिफीट, एटलीस्ट कोशिश करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि मैं कुछ चीज़ें जो है जिनको बनाने वाला हूँ अपने, जो मेरी बॉस साइड के अंदर बेसिकली हेल्प करेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैंने अपने किसी भी कैरेक्टर की किसी भी तरीके की एबिलिटी को जो है ये इस एबिलिटीज़ को मैंने इंक्रीज़ नहीं किया है। हालांकि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ये सिर्फ टेरेसा के लिए बचा के रखा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली मेरी एंड बॉस है। उससे पता चल ही रहा है कि एंड बॉस वहीं होगी, ये गैस है एक, ठीक है। उसके अलावा तुम लोगों को मैं बताऊं, जहां तक कोई अल्टर अपडेट नहीं किया है, कोई स्ट्रेंथ को बफ नहीं किया है, बस एक चीज़ के अंदर मैंने चेंजेस करी है। तुम लोग देख सकते हो बेनीता की हेल्थ हो चुकी है 1879। और यही बात करें हमारे टेरेंस की, तो उसकी भी हेल्थ हो चुकी है 1879। दोनों की हेल्थ को मैंने बढ़ा दिया है, 100+ मारा है मैंने। किस तरीके से, मैं ये तुम लोग को दिखा देता हूँ। सो बेसिकली सीन कुछ इस तरीके का है कि मैंने जो है ये, मैंने मैंने पेल्ड एग 2 को ले लिया है और उसको मैंने अपग्रेड किया था, और इसने मुझे 170 हेल्थ प्लस करी है और मेरा 26 डिफेंस प्लस कर रहा है। इसी की वजह से मेरी इतनी ज़्यादा एकदम से हेल्थ पड़ी है, 100-200 तक तकरीबन प्लस मारी है। बाकी तुम लोग को एक और चीज़ दिखाया जाए, तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं पोशन ऑफ हेलुसिनेशन, ये वाला पोशन बनाने वाला हूँ। सो बेसिकली ये पोशन मैंने बना लिए बहुत ही ईजीली तरीके से, क्योंकि हमारा जो रेविन है, जो हमारा उल्लू है, मतलब उल्लू ही है लेजिटली, मैं उसको गाली नहीं दे रहा हूँ, तो वो बेसिकली हम लोग के ये हम मतफक प्रोनाउंस कर यार उमर, हम लोगों को वो एडमिनास हर्ब और एक्टिव सैंडल प्रोवाइड कर रहा था। ये अनलिमिटेड प्रोवाइड करता है, क्या नाम है, एल्फ की तरह नहीं है। सो इससे मैंने बाय करके अपने लिए 10 पोर्शन ऑफ हेलुसिनेशन बना लिए थे, और 2-3 एक्स्ट्रा के लिए मैंने ख़रीद लिया था। इट्स दैट्स इनफ आई थिंक सो। बाकी पोर्शन ऑफ हेल्थ मेरे, एलेक्सर ऑफ हेल्थ मेरे पास बहुत सारे हैं, और ब्रूट फोर्स मेरे पास 9 पड़े हुए हैं। मुझे ट्रीपी फ्लावर के लिए और ज़्यादा ग्राइंड करना था, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला बस बहुत है, 9 में ही चटका देंगे गुद्दीस की, होप सो। सो चलते हैं और करते हैं आज की बॉस को डिफीट। अब देखो प्लान, देखो इस तरीके से, जैसा तुम लोगों को हमेशा पता है मैं कैसा प्लान बनाता हूँ। सो बेसिकली मेरा फर्स्ट प्लान यही है कि मैं हाफ हेल्थ तक जो है इसको बॉस को, असूपर जो भी इसका नाम है, इसको मैं हाफ हेल्थ तक बेनीता के ज़रिए ले लाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद देन पोशन ऑफ हेलुसिनेशन लेके इसको जितना लो कर सकता हूँ उतना करूँगा, और देन इसके सेकंड फेज़ के अंदर मेनली टेरेंस को यूज़ करूँगा, क्योंकि इसके सेकंड फेज़ के अंदर बेसिकली इसको डैमेज बहुत कम होता है, और हमारे टेरेंस का डैमेज अच्छा है, मतलब अटैक अच्छा देता है वो, और डॉजेस भी सही हैं। डॉजेस तो खैर इसके भी सही हैं, प्लान तो खैर यही है, बस वही है अच्छी तरीके से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। अब देखते कितनी ट्राइज लगती है भैंस की। अब मेनली जो फोकस करना है वो हम लोगों ने, कर ले ब्लॉक, ब्लॉक हटा, हटा ब्लॉक, एक डॉज करना है उमर, देख के किया कर जस्ट। भैंस की आंख, ऑब्वियसली मर जाऊंगा मैं यार, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट भाई। मार दो, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप के, जिसने भी मैसेज किया ना जिंदगी बर्बाद हो जाती है तेरी शादी ना हो कभी। यार मैंने डॉज किया, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट,
ये आर पार हुआ ना इसके, ये आर पार हुआ ना तेरी। इसकी रेंज बहुत टट्टी है यार, क्या कर रही है बेनीता, मार। मैं लुटैनिक होने ही वाला हूं। हो गया लुटैनिक, नाइस। मुझे पोशन ऑफ हेलुसिनेशन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट यार, वाओ। शील्ड लगा, समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर क्या रहा है ये भाई। इसे मैंने सच बताऊं ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करी। व्हाट द ना, नहीं, नहीं। बहुत तेज है ये स्लैशेस, द फक यार, कितने कितने यार, कितने 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 मारेगा अभी, 6-7 मारता है एक साथ। तफ भाई, और मेरा गेम लैग किस लेवल का हो रहा है इसके अंदर। नो भाई, लैग बहुत ज्यादा हो रहा है मेरा गेम। अबे लगती ही नहीं है कितनी करी का, मुंह के अंदर घुस के मारूं उसके, तब लगेगी क्या, गोदी में बैठ के मार लूं उसकी, मुंह में घुस जाना, मुंह में घुस के मार ले अब, इससे ज्यादा और नहीं होता मेरे से, गोदी में बैठ के मार अब उसकी। अभी भी नहीं लगा, हाँ ऐसे मारो उसके मुंह के अंदर घुस के भैंस के। अबे अजीब, किस काम का है ये विप, मुझे तो लग रहा है यार ये आर पार हो रहा है विप। मजाक नहीं करो मेरे साथ। हाँ माशाल्लाह, मैंने पोशन ही सिलेक्ट नहीं किए हुए, मैंने बेनीता पे पोशन ही सिलेक्ट नहीं किए हुए। मौका फायदा हुआ, बेकार की चीजें। अबे दाऊ मारना तेरी,
बस काम हो गया इसका। यस हो गया काम, मार दिया खरबूजे के मुंह वाले को। भाई लैग बहुत ज्यादा था यार, बहुत ज्यादा लैग था। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट यार। रायता, अच्छा रीठा। इफ योर मॉम कुड सी यू शी वुड बी प्राउड। प्लीज सेट मी फ्री। अब ये वो गोली इस्तेमाल करेगी जो उसने दी थी इसको, क्या नाम है, नॉरवुड ने, ताबूत वाला, नाम याद हो गया मुझे। ओके या I'm really sorry for not protecting you properly. Why am I the only one to be left behind? जाहिर सी बात है, सैड हुई, इसके अब्बा का सीन हो गया। अभी भी सैड नहीं होगी तो अब कब होगी। ए जादूपंती नहीं तेरी बहन की। गॉड टेरेसा आ गई है। क्लॉस ऑफ ग्रेव की सारी शक्ति मिक्स कर ली इसने अपने अंदर। अब ये बहुत डिफिकल्ट होगी। फैदर्स कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, सॉरी यार। एक 2 सेकंड के लिए सॉरी। नहीं करिए, इविल बन चुकी है। मिशन दैट वाज गिवन टू मी हैज बीन कंप्लीटेड। हाँ कर ली साली मिट अपने अंदर। द लास्ट टाइम आई मीट यू एज टेरेसा। टेरेसा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? द क्लॉसल ग्रेव इज ओपन। इट हैज ऑलरेडी बीन गिवन दायर सी बात है। No matter what happens, मैजिक चाहिए था और बॉडी चाहिए थी किसी को, क्या नाम है, एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लॉसल ग्रेव की सारी शक्तियां एब्जॉर्ब कर ली इसने डार्कनेस को। That was a moment I thought I did exist. After all, I am just an empty shell. I don't belong to this world. So please, forget me. Farewell. I don't understand. आंखें कैसी थी टेरेस की? ये क्लॉसल ग्रेव की। टेरेसा। ये बहुत डिफिकल्ट होगी। ये बहुत डिफिकल्ट होगी। इनसेन लेवल पे डिफिकल्ट होगी ये बंदी। नॉरवुड आ गया। The worst still happened. ना ना हो गया, इतनी कोशिश करी बचाने की, पांव का बचा पाए। Sacrifice Teresa to open the gate of the colossal grave. It's all too late now. You knew what was going to happen, yet you still put her in danger. Eckhart had never revealed himself beforehand, and in order to lure him out, we had no other choice. What do you mean, no choice? You gave Teresa up for naught. I have to get into this damned colossal grave now and get her back. You'll get yourself killed. There's nothing to be gained but your own death. I have nothing to lose. Say that. Terence, if this is really what you want, then please take the Scarlet Meteor of Exilium with you. मेरे पास था तो। To the castle grave. What happens after that? No one knows. You might not get out alive. अरे जाना, ये हम है भैंस की। Enter to the colossal grave. ये रही colossal grave की beam, बीच में। Endymion diamond, black water crystal, 50 cloth, पता नहीं क्या क्या मिल गया भैंस की आँख।
फर्स्ट सीट, ओके। अभी भी अगर बेसिकली किसी को स्टोरी समझ में नहीं आई है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे तो 99% लोगों को समझ में आ गई होगी कि स्टोरी बेसिकली चल क्या रही है। सो बेसिकली सीन इस तरीके का है कि हम लोग को ये पता चला था कि किसी ने क्लॉसल ग्रेव को खोल दिया है, जिसकी वजह से जो मिस्ट है वो आसमान के अंदर फैल लिए और उसको फिर देन बंद कर दिया गया उस क्लॉसल ग्रेव को, ठीक है। उस क्लॉसल ग्रेव जो खोला था, क्लॉसल ग्रेव को जो पहली दफ़ा खोला था वो हमारे नॉरवुड ने ही खोला था, किसके कहने पे? इसके मास्टर के कहने के ऊपर। उसके बाद क्लॉसल ग्रेव को बंद किया किसने? वायोला के फादर ने, और किसने? उसने क्या नाम है, सर्वेंट ने, जिसको हमने मारा था, जो भूत वाले एक हरामी सर्वेंट था, उसने और वायोला के फादर ने, इन दोनों ने मिलकर क्लॉसल ग्रेव को बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी प्रीस्ट ने क्लॉसल ग्रेव को फाइंड किया किसके ज़रिए? टेरेसा के मैजिक के ज़रिए। टेरेसा के मैजिक के ज़रिए प्रीस्ट ने क्लॉसल ग्रेव को फाइंड किया और उस मास्टर ने, मास्टर की बात कर रहा हूँ, सॉरी प्रीस्ट बोल रहा हूँ, मास्टर ने उसको क्या नाम है, क्लॉसल ग्रेव को फाइंड किया, उसकी एनर्जी को अपने अंदर इमिट करने की कोशिश करी, लेकिन उस वक्त जो है नॉरवुड ने इसे खंजर मार दिया, तो ये पूरी तरीके से इमिट नहीं कर पाया, बल्कि उसने टेरेसा को सेक्रीफाइस कर दिया क्लॉसल ग्रेव की, मतलब डार्कनेस फैलाने के लिए। तो अब टेरेसा के अंदर सारी वो डार्कनेस आ गई है, जिस चीज़ से हम शुरू से, जिस चीज़ से टेरेसा को बचाने चाह रहे थे, एंड में जाके भैंस के हम वहीं चुपचू भांग, क्या बोलूँ, वहीं हो गया बेसिकली। जिस चीज़ से हर इसको बचा रहे थे वहीं हो गया। क्लॉसल ग्रेव की सारी एनर्जी टेरेसा के बॉडी के अंदर जा चुकी है, मतलब वो टेरेसा अब नहीं रही है, अब वो डार्क साइड एक तरह से बन चुकी है। थैनोस समझ लो यार, भैंस की यहाँ का, अब इससे ज़्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँ। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आया ना, चांटे खाओगे अब। और बेसिकली मीटियोर वाला जो सीन हुआ था, वो मीटियोर वाला सीन बेनीता के ज़रिए हुआ था, कि बेनीता की एक बहन कह लो या दोस्त, इसने तो खैर अपनी बहन जैसी ही बताया, वो पोजेस्ड हो गई थी उस डार्क मिस की वजह से, और एक मीटियोर आके गिरा था उसके ऊपर, या ऐसे ही कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने बीच में स्टोरी पे यार फोकस नहीं किया था। तो एक मीटियोर आके गिरा था, जिस वजह से पोजेस्ड हो गई थी, और घोड़े के ऊपर जो भागती थी, जो शाख मारती थी, वहीं बनती थी मीटियोर था, उसी को मारने के बाद हमें मीटियोर का टुकड़ा मिला था, लेकिन मुझे याद नहीं है अपने से टेरेसा ने छीन लिया था क्या वो मीटियोर। खैर हम लोग सबसे बात करते हैं, सबसे पहले हमारी बेनीता से। डोंट टेल मी मुझे टेरेसा से सिर्फ अकेले ही फाइट करनी पड़ेगी। द फक यू आर टॉकिंग अबाउट? टेरेसा वुड प्रोबेबली स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सच अ थिंग। ऑब्वियसली भाई, मेबी मेबी नॉट। नहीं नहीं, ऑब्वियसली माय चॉइस। इट्स जस्ट दैट आई एम वरीड दैट यू आर नॉट रेडी टू फेस इट ऑल। अबे हम बैडस हैं, जाना। नोइंग दैट शी इज देयर वेटिंग फॉर मी Is enough. अच्छा बेसिकली बेनीता जो है ना, एक मैं सोचता था एक बुरी करेक्टर है, लेकिन बेनीता बहुत अच्छी करेक्टर है। लेकिन बस भंड वाली चीज़, गंदी चीज़ ये है कि इसको यूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको यूज़ बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से करा जाता है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यूज़ करना बेनीता को ही है इस गेम के अंदर। ऑब्वियसली मैं बदल गया स्ट्रिप के अंदर, भैंस के आँख रियल लाइफ के अंदर। Did it? The self-doubting Terence that was wandering in the dark mist. It's no longer exists. No longer exists. Yeah, yeah. So, like, will your God bless me this time? I can't give you any answers. Okay. Because I myself can't affirm the existence of the God. Yeah. But we will always choose the things we believe and proceed without hesitation. Won't we? As you've already found her, just follow your heart. Bring it in. I'm hoping things can go back to the good old days. I prefer how things are. I hope also. Nothing left to hide, and it's more natural. हाँ साहिब, सबकी सारी चीजें बाहर निकल के आ गई ना। Maybe you're right. When you see Teresa, please let her know I miss her so much. हाँ. I will, Benita. Before I say goodbye, hopefully you can do me a favor. As long as I can do it, I will. Just let me know. Take care of Viola. हाँ भाई, इसको तो रख भाई, इसके अब्बा के साथ सीन हो गया, इसको पता चला है अभी अभी, इसी के अब्बा को ही। No worries. I will treat her as my own family. Thank you. सो बेसिकली सीन इस तरीके का है कि इससे जो है मैं ख़रीदने वाला हूँ ना, वो ख़रीदने वाला हूँ क्या, पाउडर ऑफ डिफेंस, इंजांटेड ब्रूट फोर्स। हाँ
मेरे पास कितनी रखी हुई है, 3 रखी हुई है, 2 और दे दे, थैंक यू। ये तो मेरे पास 10, अच्छा 1 मिनट तक रीजनरेट करेगा, चलिए मेरे को 2-3 दे दे, 3 दे दे मेरे को ये, थैंक यू। कॉन्टैक्ट भी करके देखते हैं क्या है। Have you found a new hog? नहीं, वो तो मिला ही नहीं है, सॉरी। हाँ भाई कमीने। Teresa never wants to get you involved. You showed up and overset all of the plans. She made me stay with you to ensure your safety. बस छोड़ दे अब, तू बड़ी सेफ्टी दिखा दी तूने। But she still thinks I'm a liar. Till the end, she won't open up her feelings. She regrets very much after knowing the truth. खरबूजे के बच्चे ने, ये हमारा जो ये टेरेंस है, ये टेरेसा के सामने जो है ना बॉस फाइट के बाद कन्फेस करने वाला था कि मैं तुम्हें हर चीज़ कन्फेस कर देता हूँ, बस ये चीज़ तुम करना बंद कर दो जो तुम मैजिक कर रही हो, जिसकी वजह से डार्क मिस्ट फैल लिए। ये कमीना गोलियां मार के ले गया था ना, इसी के तो कहने पे वायोला ने टेरेसा को उठाया था अपने बाप को बचाने के लिए। मैंने वादा किया था वायोला से कि इसको बताएगा इसका बाप किधर है। अबे जाना। हाँ ये इसने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन सच ही नहीं बताया इसने। I hope there is one day you can take off this mask and say that again. Just like what you Martians believe, all of us are trapped in the cage of reincarnation. अबे हाँ, इसको पूरी सीरीज में मास्क नहीं उतरा बे ऐसे यार। There is the other half of the sentence. Reincarnation doesn't mean stagnation. Only those with a strong sense of बेंस की ये मुश्किल वर्ड यूज़ ना कर। Present and future. Maybe this journey has nothing to do with vengeance. It might just be the necessary detour which makes you meet Teresa again. I'll remember what you've just said. चल तेरे से कांटेक्ट करें। See, I hope this coin. Hand coffin मिल गया। Hand in coffin की achievement मिली है। Trade कर लें। तू तो ना किसी घड़े में जाके मर जा। मैंने से ये ख़रीदा था बाय द वे, तो एक वीडियो में तुम लोगों में बोल रहा था ना, ये ख़रीदा था। ये जब ख़त्म हो जाता है, जैसे हमारा ओनर मरता है, लिखो ना डिस्ट्रॉय अपॉन द ओनर डेथ एन्चेंटमेंट है रिफोर्ज आर नॉट पॉसिबल। तो फक भाई फ़ायदा क्या इसका फिर। मास्क ऑफ हैप्पीनेस बेचो 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 सब बेचो। पैंस कि किसी काम के नहीं है, भरे पड़े हैं मेरे पास, कब से रखे हुए ये, खरीद ले खा ले फुगले। टॉक कर लेते हैं। ओन फादर किल्ड हिम विद माय ओन हैंड्स। कोई बात नहीं, अब वो पोजेस हो गए तो अब क्या करें भाई। यू डिड एवरीथिंग यू कुड एंड मोर। डिड आई नेवर इवन सेड अ प्रॉपर गुडबाय टू हिम। I don't even know if he was a good person or not. You're the one he always wanted to protect, even until the very end. That's enough. ये तो शुक्रमान नॉरवुड ने चाकू मार दिया था प्लीज को, वरना वो अपने अंदर सारी अगर शक्तियां मिक्स कर लेता ना, हमारे लसूड़े लगा देता भैंस की आंख। Didn't want it to end this way. He's free from this endless torment. सही बात है हाँ। He'd want the same for you. खैर इसका बाप अच्छा ही था, वो क्लॉसर ग्रेव बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन Sorry, Viola, but I have to go now. For the colossal grave. Terrence, so you're leaving me too? आए... Forgive यार छोड़ना पड़ेगा। I can't let Teresa just stay there. इसकी बीवी है भाई, क्यों नहीं छोड़े, माना तो क्यूट है। Just like you, Terrence. I have a scar of my own that is still to heal. हाँ सही है। I believe you'll find a way to heal it. एक टाइम के बाद बेटा सारे जख्म हील हो जाते हैं। You'll surely hear from me. But promise me. Yes. You will come back with Teresa. Promise नहीं कर सकता मैं भैंस की। I promise you. अबे ओ, ओ मेरे से पूछा? That's probably the worst lie I've heard in this world. If you choose to believe that,
Even the worst lies will come true one day. Viola. Viola. We will meet again. In the demand world, eventually. Eventually. Okay. I'll wait for such a day to come. Last line ke andar Viola ka mood hi hila. What the... Okay. Now that the colossal grave has been found, all the careers have no reason to exist. But perhaps they have been given a new purpose, such as helping the people beyond the blessed land. I'll never stop you from what you want to do, but there's one thing. Know your limits. Don't worry. What you taught me will never be forgotten. Rebirth of Viola has taken over. Blood ties. Bracelet. ट्रेड करने से मेरे पास 10 क्रिस्टल डिमांड डोमिनेटर क्रिस्टल पड़े हुए हैं. ये कुछ नहीं है. जान के लसनों मिल के लगा बहुत अच्छा तुम लोगों से, लेकिन अब वो वक्त है जिस वक्त मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से बाहर. और बेसिकली या हाँ, सो बेसिकली अभी मैं एक दफ़ा जस्ट देख के आने वाला हूँ कि माजरा क्या है. जाते ही डायरेक्टली हमारी अगर टेरिसा से फाइट होने वाली है तो अभी तो भाई हिम्मत ही ना है भैंस की. मुझे ये दे तू, ठीक है. मुझे तू एक काम कर, ये तेरे पास कितने हैं? अनलिमिटेड है. नहीं नहीं ये ना दे मुझे तू. अबे ये शिवलिंग होली फ्रूट मुझे लेना था. खैर तुम मुझे ब्लैक वाटर, अच्छा ब्लैक वाटर अबल भी इतना महंगा कर दिया कमीने. इंडीमियस क्रिस्टल ह्यूज फैंक सब कुछ महंगा कर रखा है छोरे ने. फ्रेगमेंट्स का ब्लैक वाटर डेब्रिस दे रहा हूँ. मतलब फक भाई मैं गेम के एंड के अंदर पहुंचने वाला, तुम्हें क्या लगा रहा है रिफोर्स के अंदर मैं ब्लैक वाटर डेब्रिस यूज करूंगा? चिप ट्रिमडी में उसी ले लो, उससे बेहतर कहीं तो यूज हो ही जाएंगी. गर्क हो जाए ऐसे. फायर जार ले लूँ क्या? ह्यूज फैंक ले रहा हूँ मैं इसकी. और क्या लूँ, सब कुछ बिग बोन से आ रहा है. बाकी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए ये सारी इंचांट में वो क्या नाम है बफ्स हटाती है हमारे ऊपर से, वो भी बिग बोन की आ रही है. ये भी बिग बोन का आ रहा है. ये चाहिए नहीं मुझे और ये चाहिए, ये भी बिग बोन का आ रहा है. इंडीमियस क्रिस्टल भी बिग बोन का. वो तब अबे जा यार यहाँ से. हप A mysterious living massive amount of power. A mysterious living crystal grants massive amount of power when used for dedication at an altar. Okay. लग रहा है कुछ खतरनाक हो गई. पोशन ऑफ हेलुसिनेशन, literally zero पोशन ऑफ हेलुसिनेशन यूज हुए. बहुत फ्रैक्चर बॉडी को यूज कर लो. वैगर बढ़ा ले इसकी, इसकी इंटेलिजेंस को बढ़ा ले. व्हाट द हेल 110 डैम बॉय. एक सौ सत्तर से अगर ये ऊपर चले आएगा डेफिनेटली मैं इसको यूज कर लूंगा. 190 दैट्स इट भाई, बेस्ट है ये. यार ये कौन गाना कौन चला रहा है यहां पे?
ओ गॉड यार, या इस इलाके से मुझे बाहर निकालो यार। व्हाट द फक इज रॉन्ग विद पीपल्स भाई, यहाँ के लोग। वही ना, कौन चला रहा है ये गाने? किसकी शादी हो रही है भाई? अजीब भाई, इलाके से बाहर निकालो मुझे यार यहाँ से भाई, जाना है मेरे को यहाँ से। कब तक रहूँगा मैं यहाँ पे? हटा, जब देखो गाने की आवाज़ें आती रहती हैं। सिंगर हो रहे पड़े छोरे पैंस की तुम। मारूंगा तेरे को। हाँ, गाने चलने शुरू हो गए अब यहाँ पे। इससे पहले तुम लोग गाने सुनो और यूट्यूब मेरे को ऐसा चांटे की तरह कॉपीराइट स्ट्राइक मारे, कॉपीराइट पड़े मेरी वीडियो के ऊपर। इससे पहले ही आज की वीडियो को करते हैं हम ख़त्म। मुझे डेफिनेटली पता है कि नेक्स्ट जो मैं क्लॉसिक ग्रेव के अंदर घुसने वाला हूँ, ये थोड़ा सा डेटी हो गया, क्लॉसिक ग्रेव के अंदर जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे मुझे मिलने वाली है जाते साथी टेरिसा। तो इससे पहले जो मैं अपनी सारी की सारी एबिलिटीज़ को अनलॉक करने की कोशिश करूँगा, और देन उसके बाद हम लोग फाइनली फाइट करने वाले हैं टेरिसा के साथ। और टेरिसा के पास मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो के अंदर ही पहली दफ़ा जाऊँगा और वीडियो के अंदर ही इसको डिफ़ीट करेंगे, ठीक है? इसके ऊपर प्रैक्टिस भी नहीं करूँगा मैं, कुछ भी नहीं, बस अपने आप को बफ़ करूँगा, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाऊँगा, अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करूँगा, वैगर को इंक्रीज़ करूँगा, इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करूँगा, एंड दैट्स इट। देन वी कैन फाइट विद टेरिसा। और बस इसी गाने के साथ ख़त्म करता हूँ आज की वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, नीचे कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और मुझे ये भी बताना कि टेरिसा को कैसे हराना है, और बफ्स के बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताते रहना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए बाय बाय। अब बॉस को सही चटकाया तेरे भाई ने यार, मानो या ना मानो, भैंस की कमेंट में लिख के दे दो, वरना ऐसी भी चटकाऊंगा तुम लोगों को।